नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं आपके पुस्तक शब्द तरंग बाई ब्रेनहुड से पाठ एक, और हमारे पाठ का शीर्षक है वर्णमाला। जी हाँ बच्चों, आज हम अपने पाठ का प्रारंभ करेंगे वर्णमाला से। और वर्णमाला के जो स्वर हैं, कौन कौन से स्वर हैं, सबसे पहले क्या है ये अ। अ बच्चों, जब मैं बोलूँगी तो आप ना मेरे मुँह को देखिए कि मैं कितना छोटा मुँह या कितना बड़ा मुँह खोलती हूँ, उसी हिसाब से हम स्वरों को पहचानते हैं, स्वरों को बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्वर है अ। अ अ अनार, अ अदरक, अ अमरूद। और उसके बाद हमारा दूसरा स्वर है आ। आप देखेंगे कि इसके बीच में क्या है, इसके पीछे एक लाइन लगा दी है, यानी तो ये क्या बन गया आ। ये था अ और ये है आ। आ आ आम, आ आलू, आ आसमान। ठीक, तो अभी हमने कौन से किए थे, दो स्वर अ अनार, आ आम। और इसके बाद अब हम चल रहे हैं ई। ई ई, मैंने कितने जल्दी से बोला ना, ई। ई से इमली, ई से इमारत, ई से इत्र। तो ये क्या थी, ये था स्वर ई। और अब आ गया ई, इसके ऊपर आ गई ये छोटी सी मात्रा ये, और ये क्या बन गया ई। इसको हमने लंबा खींच के बोला है ई। ई से ईख, ई से ईश्वर, ई से ईसा। एक बार दोहराते हैं, ई। ई से इमली, ई से इमारत, और ई से इत्र। और ई यानी कि बड़ी ई, इसके ऊपर मात्रा आ गई है, तो ये बड़ी ई बन गया है। और इसको बोल रहे हैं हम ई। ई से ईख, ई से ईश्वर, और ई से ईसा। और हमारा दूसरा स्वर आ गया, एक और अगला स्वर उ। उ मेरे साथ बोलिए उ। उ से उल्लू, उ से उपवन, और उ से उपहार। जी हाँ, फिर से बोलेंगे उ। उ से उल्लू, उ से उपवन, और उ से उपहार। और उसके बाद है ऊ। ये देखिए, इसके पीछे पूंछ लगी हुई है, तो ये क्या बन गया ऊ, यानी कि अब इसको जोर से बोल रहे हैं बड़ा ऊ। ये था छोटा ऊ और ये आ गया बड़ा ऊ, क्योंकि हम इसे लंबा खींच के बोल रहे हैं ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट, और ऊ से ऊपर। तो उ उल्लू, उपवन, उपहार, ऊ ऊन, ऊ ऊंट, और ऊ से ऊपर। और अब हमारे पास है कौन से स्वर, री। री से ऋषि, री से ऋतु, और री से ऋग्वेद। री, री से ऋषि, री से ऋतु, और री से ऋग्वेद। और ये कौन सा स्वर है, ए। ए, ए से एक, ए से एड़ी, और ए से एक तारा। कौन सा स्वर है ये, ए। ए से एक, ए से एड़ी, और ए से एक तारा। और अब हमारे पास कौन सा स्वर है, ये है आई, क्योंकि इसके ऊपर मात्रा लग गई है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे आई। आई, आई से ऐनक, आई से एरावत, आई से ऐलान। ठीक, आई से ऐनक, आई से एरावत, आई से ऐलान। और अब हमारे पास ये कौन सा स्वर है, ये है ओ। कैसे बनता है, पीछे लाइन बना के इस पे एक मात्रा लग जाती है और ये हो जाता है ओ। ओ से ओखली,
ओ से ओस और ओ से ओला वृष्टि। फिर से देखते हैं, ओ से ओखली, ओ से ओस और ओ से ओला वृष्टि। तो अभी एक बार दोहराते हैं, आई आई से ऐनक, आई से एरावत और आई से ऐलान, ओ से ओखली, ओ से ओस और ओ से ओलावृष्टि। और अब है हमारे पास औ। ये देखो औ में क्या हुआ, औ में पहले ओ में एक मात्रा थी और औ में एक और दो कितनी मात्रा हो गई, दो मात्रा। और हम इसको, इसका स्वर कैसे होगा, इसका स्वर होगा औ औ। औ से औरत, औ से औषधि और औ से औजार। फिर से बोलेंगे, औ से औरत, औ से औषधि और औ से औजार। ठीक। और हमारा अगला है स्वर अंग, यानी कि अंग कैसे बना, आ बना के उसके ऊपर हमने बिंदु लगा दिया, तो ये क्या बन गया, अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंडा और अंग से अंक। एक बार फिर से बोलते हैं, औ, औ से औरत, औ से औषधि, औ से औजार, अंग से अंगूर, अंग से अंडा, अंग से अंक। और अब आ गया हमारा आखिरी स्वर, आहा 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 आहा। इसमें यहाँ और यहाँ दो हमने डॉट्स डाली है, आपने देखा, तो इसको कैसे बोलेंगे, आहा आहा, यानी कि इसका जो स्वर होगा वो होगा आहा। ये देखिए आप एक चित्र देख रहे हैं, पहाड़ों के पीछे सूर्य निकला हुआ है, तो कौन सा कैसा टाइम है, ये कैसा समय है, प्रातः प्रातः। आहा की आवाज़ आई ना, तो ये है आहा आहा, मतलब हम बोल सकते हैं इसका एक शब्द है प्रातः। इसमें देखो बिंदु लगी है, तो क्या हो गया ये प्रातः। तो मेरे बच्चों अभी हमने अभी क्या क्या सीखा, अभी हमने स्वरों को, जी हाँ स्वरों को सीखा। और आइए अब हम क्या करेंगे, स्वरों को एक बार फिर से पुनरावृत्ति करेंगे, स्वरों को दोहराएंगे। तो अब सब बच्चे मेरे साथ स्वरों को दोहराएंगे, अ आ इ ई उ ऊ, रि से ऋषि, ए आई ओ औ और अंग आहा। तो बच्चों स्वर वो होती हैं, ये मात्राओं के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं, जब हमें कोई मात्रा लगानी होती है तो बच्चों हम इन्हीं स्वर को जो है प्रयुक्त करते हैं, इन्हीं स्वर को हम जो है प्रयोग करते हैं, इन्हीं स्वरों का प्रयोग करते हैं मात्राओं के रूप में। ठीक। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने स्वरों को दोहराया था, और अब हम क्या करेंगे, आओ हम कुछ करते हैं, क्या करेंगे, चित्र देखकर उसके अक्षर का पहला क्या लगाएंगे, अक्षर लिखेंगे। जैसे कि ये क्या बनी हुई है, ऐनक, हमने पढ़ा था ना ऐनक, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे ऐनक। और ये क्या है, इ, बोला था ना इ से इमली, हमने इसे इमली लिखा पहला अक्षर। और ये क्या है, नाम का पहला अक्षर, चित्र का पहला अक्षर क्या है, ऊंट, तो ऊंट का हमने क्या लिख दिया, ठीक। और ये क्या था, ये क्या था बच्चों, ये था ओस, ओस पड़ी हुई ना पत्ते पे, ओस, तो चित्र का पहला अक्षर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हमने लिख दिया ओ। और ये क्या है, ये तो है, क्या है ये बच्चों, इत्र, और इत्र में मैंने ये लगा दी इत्र। और ये क्या है, चित्र का पहला अक्षर कौन सा चित्र है, उल्लू, तो उल्लू का पहला अक्षर क्या आएगा, ओ, तो मैंने लिख दिया ओ। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, हमने चित्र देख के उसके नाम का पहला अक्षर, ऐसे ऐनक में आई पहले था, ई से इमली में ई लिख दिया, ऊ से ऊंट का पहला अक्षर ऊ,
और ओस में ओस का पहला अक्षर ओ, और ई से इत्र का पहला अक्षर ई, और उ से उल्लू का पहला अक्षर उ। तो हमने अभी पहला अक्षर लिखा और अब हमें क्या करना है, आओ कुछ करें, हमें क्या करना है, चित्र पहचान कर हमें सही अक्षर पर गोला लगाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या है, ये आ से आम, आ से आम। तो अब हम देखेंगे आ कहाँ पर है, आ तो सबसे पहले है, तो हमने आ से आम के आगे ये हमने गोला लगा दिया। और अब ये क्या थी, ई से ईक, ई यानी कि बड़ी ई, यानी कि उसके ऊपर एक मात्रा भी होगी। तो अब हमें ढूंढना है री ई, और हमें मिल गई ई, तो हमने इसके आगे गोला लगा दिया। और फिर ये क्या बना है, उ से उल्लू, उ यानी कि छोटा उ, उ अ, और ये बड़ा उ है क्योंकि इसके पीछे मात्रा है और ये छोटा उ है, तो मैंने इसके आगे सर्कल लगा दिया, गोला लगा दिया। और अब ये क्या आ गई, आई से ऐनक, आई यानी जिसके ऊपर मात्रा है वो आई है, और जिस पर मात्रा नहीं है वो क्या है, ए ए, वो ए से एडी, और जिसके ऊपर मात्रा होती होता है आई से ऐनक। तो हमारे पास आई से ऐनक ये है, हमने इस पर गोला लगा दिया। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने ये चित्र पहचान कर सही अक्षर पे हमने गोला लगाया। आशा करती हूँ आपको भी इसमें बहुत आनंद आ रहा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको मेरे साथ साथ बोलना भी है बच्चों, तभी आपको अच्छे से और समझ में आता रहेगा, ठीक। और अब हमें क्या करना है, अक्षर पहचान कर सही चित्र पर गोला लगाना है। पहले हमने उस पर गोला लगाया था, हमें सही अक्षर लिखना था पहला अक्षर, और हम अपने अक्षर पहचान कर सही चित्र पे गोला लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा चित्र बना हुआ है, सबसे पहले बनी हुई है ये ओ। ओ से क्या होता है, ओ से औरत या ओ से ओखली, ओ से ओखली, तो मैंने इस पे गोला लगा दिया। और अब हम करने जा रहे हैं री से ऋषि, री से ऋषि कहाँ बना हुआ है बच्चों, री से ऋषि है ये, तो हमने सही सर्कल पे निशान लगा दिया, सही चित्र पे निशान लगा दिया, हमने री से ऋषि पे निशान लगा दिया। और अब ये किसका चित्र बना है, आ, आ से क्या होता है बच्चों, अ से अमरूद या अ से सूरज, तो आ से बना हुआ है अ से अमरूद, और मैंने अमरूद के चित्र पर गोला लगा दिया। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, अभी हमने अक्षर पहचान कर सही चित्र पर गोला लगाया। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब करेंगे अ से आ तक बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही मनोरंजक होगा, लेकिन बच्चों आपको भी एक काम करना होगा, आपको क्या करना होगा, मैं इन पे बिंदुओं को मिला के चित्र पूरा करूंगी, और इसमें रंग कौन भरेगा, इसमें रंग आप लोग भरेंगे, ठीक है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आ, तो हम अ से प्रारंभ करते हैं, अ से हमने प्रारंभ की ये, और आ के बाद आ, आ के बाद ई, ई, और ई के बाद क्या आता है, उ, 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 री से ऋषि, फिर ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, और अहा खाली। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये एक अच्छा सा फल बन गया। और ये कौन सा फल बना है, ये तो बना है आ से आम। तो बच्चों आपको अब क्या करना है, अब आपको ये आ से आम में रंग भरना है, और रंग आम किस रंग का होता है, आम पीले रंग का होता है, तो आप इसमें चित्र में रंग अवश्य भरेंगे। और अब हमें क्या करना है, चित्र पहचान कर उनको सही अक्षर से मिलाना है। ओहो, अब हमें मिलान करना है, वाह,
ये तो बहुत अच्छा लगेगा, हम चित्रों को पहचानेंगे और उसके बाद उस चित्र को उसके अक्षर से हम मिलाएंगे, है ना मनोरंजन? चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बनी है ई, ई से ईख, और ई कहाँ है तो ऋषि, ऋषि है, अ से अनार, और मिल गई हमें ई से ईख। तो मैंने क्या किया, चित्र पहचाना और उसको उसके सही अक्षर से मिला दिया। और अब ये क्या है, अब ये है ओ, ओ से ओस, और ओ है री से ऋषि, अ से अनार, ई से ईख, आई से एन, ओ मिल गया हमें ओ, और हमने ओ को ओ से मिला दिया। और अब ये कौन सा चित्र है, अ से अनार, जो सब बच्चों को अच्छा लगता है ना। तो अ से अनार के लिए हम जाएंगे, हमने हमें दिख रहा है, हमें दिख गया सामने अ से अनार, हमने मिलान कर दिया। और अब ये कौन है, ये तो है री से ऋषि, और री से ऋषि हमने देखा था सबसे ऊपर, हमने री से ऋषि को से मिला दिया। और आखिरी में किसका चित्र है, ऐसे ऐरावत, ऐसे ऐरावत कहाँ है, री से ऋषि, अ से अनार, ई से ईख, ये है ऐसे ऐरावत। तो मैंने ऐसे ऐरावत को भी से मिला दिया। और हमने क्या किया, हमने चित्र पहचान कर उनको सही अक्षर से मिलाया। अच्छा लगा होगा, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत आनंद भी आया होगा। तो बच्चों इस तरह से आपको बोल बोल के जो है हिंदी के स्वरों का अभ्यास करना है। और इसके बाद अब हमारे पास क्या आते हैं, अब हम आ गए हैं व्यंजन पे। अभी हमने किए थे बच्चों स्वर, और अब हम करने जा रहे हैं व्यंजन। तो सभी बच्चे जो हैं मेरे साथ साथ अवश्य बोलेंगे बच्चों, तभी आपको बहुत अच्छे से व्यंजनों की पहचान होगी। तो प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले क्या है, क्या क, क से कबूतर, क से कमल, और क से कटहल। मैं दो दो बार व्यास करूंगी, दो बार बोलेंगे हम, फिर से एक बार बोलते हैं क, क से कबूतर, क से कमल, और क से कटहल। ख, ख से खत, ख से खटमल, और ख से खरगोश। ख से खत, ख से खटमल, और ख से खरगोश। ग, ग, ग से गमला, ग से गणपति, और ग से गऊ। ग से गमला, ग से गणपति, और ग से गऊ। घ, घ से घर, घ से घड़ी, और घ से घड़ियाल। फिर आ गया ड, ड खाली। ड जो होता है बच्चों बीच में युक्त होता है, लेकिन इसका अपना कोई शब्द नहीं होता, तो ये इसे बोलते हैं ड खाली। अब आ गया च, च, च से चम्मच, च से चरखा, और च से चरण, यानी कि जो चरण होते हैं पैरों को हम चरण भी बोलते हैं। छ से छतरी, छ से छाता, और छ से छप्पन। च से चम्मच, च से चरखा, च से चरण, छ से छत, छ से छाता, और छ से छप्पन। हिंदी का जो हिंदी का अंक है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 56, और हिंदी में बोलते हैं छप्पन। और अब आ गया ज, ज, कौन सा व्यंजन है ये, ज, ज से जग, ज से जहाज, ज से जलेबी। फिर से बोलेंगे, ज से जग, ज से जहाज, ज से जलेबी। झ, कौन सा व्यंजन है ये, झ, झ से झंडा, झ से झरना, और झ से झगड़ा। अगेन फिर से बोलेंगे, झ, दोहराएंगे, झ से झंडा, झ से झरना, झ से झगड़ा। और ये है य, य खाली, बच्चा कह रहा है य खाली। य से कोई कोई शब्द अक्षर जो है शुरू नहीं होता, प्रारंभ नहीं होता, इसीलिए हम बोलते हैं य खाली।
अब है नया व्यंजन ट। ट से टमाटर, ट से टमटम और ट से टब। ठ, ठ से ठग, ठ से ठठेरा और ठ से ठक ठक। फिर से करेंगे ट। ट से टमाटर, ट से टमटम, ट से टब। बच्चों मैं दो बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप सब बच्चे मेरे साथ इसको दोहराते जाएंगे। ठ, ठ से ठक, ठ से ठठेरा, ठ से ठक ठक। अब है व्यंजन हमारा नया व्यंजन ड। ड से डमरू, ड से डकैत और ड से डलिया। ड से डमरू, ड से डकैत, ड से डलिया। और ये कौन सा व्यंजन है? ढ। ढ से ढक्कन, ढ से ढाल, ढ से ढोलक। ढ से ढक्कन, ढ से ढाल, ढ से ढोलक। और ड खाली, ड से कोई हमारा शब्द या अक्षर नहीं बनता, तो ड खाली। और ये है हमारा व्यंजन त। त व्यंजन के शब्द हैं त से तरबूज, त से तबला, त से तलवार। त, त से तरबूज, त से तबला, त से तलवार। थ, थ से थन, थ से थर्मस, थ से थल सेना। फिर से बोलते हैं थ, थ से थन, थ से थर्मस, थ से थल सेना। और ये है द। द से दवात, द से दही, द से दमकल। दमकल होती है आग बुझाने वाली, उसको बोलते हैं दमकल। फिर से बोलेंगे द से दवात, द से दही, द से दमकल। ध, ध, ध से धनुष, ध से धन और ध से धनवान। एक बार फिर से दोहराते हैं। ध से धनुष, ध से धन, ध से धनवान। और हमारा दूसरा व्यंजन है न। न, न से नल, न से नमक और न से नटराज। एक बार एक फिर से न। न से नल, न से नमक, न से नटराज। और अब है प वर्ग के, प वर्ग के शब्द। प से पतंग, प से पलंग, प से पपीता। फ से फल, फ से फसल और फ से फवारा। फिर से प से पतंग, प से पलंग, प से पपीता, फ से फल, फ से फसल और फ से फवारा। और अब हमारे व्यंजन है ब, भा और मा। तो सबसे पहले हम करेंगे ब के। ब बत्तख, ब बस, ब से बरगद। एक बार फिर ब से बत्तख, ब से बस और ब से बरगद। अगला व्यंजन है भ। भ से भवन, भ से भगत और भ से भगवान। और फिर मा। मा से मछली, मा से मटर और मा से मगरमच्छ। मा से मछली, मा से मटर और मा से मगरमच्छ। और अंतःस्थ य। य, य व्यंजन का पहला है य से यज्ञ, य से यमराज और य से यमुना। फिर से या से यज्ञ, या से यमराज और या से यमुना। और फिर र। र से रथ, र से रस्सी और र से रबड़। हमारा एक बार फिर से इस व्यंजन को दोहराते हैं। र, र से रथ, र से रस्सी और र से रबड़। बच्चों अभी हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? अभी हम सीख रहे हैं व्यंजन, ठीक।
और इन व्यंजनों की आपको अवश्य पहचान करनी पड़ेगी। और इनको और पहचान कैसे होगी, जब आप इन्हें बार बार बोल बोल के दोहराएंगे। तो चलिए अब से फिर से बोलते हैं ल। कौन सा व्यंजन है ये? ल। ल से लट्टू, ल से लकड़ी और ल से लाठी। व। व से वक, व से वट, व से वक, व से वट और व से वर्षा। अब आ गए हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म। श। श से शलगम, श से शरीफा, श से शहद। श। श से शलगम, श से शरीफा और श से शहद। और ये भी क्या है, ये भी श है, बट ये कौन सा श है? श षटकोण वाला श। षटकोण, श से षटकोण यानी जिसमें छः कोण होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। तो ये है श से षटकोण वाला श। श षटकोण, श षट और श से षटपद। षटपद फिर से दोहराते हैं, श से षटकोण, श से षट और श से षटपद। और अब है हमारा कौन सा व्यंजन है? स। स। स से सर, स से सब्जी, स से समोसा। फिर से बोलते हैं स। स से सर्प, स से सब्जी और स से समोसा। और अब हम चलते हैं ह। ह। ह से हल, ह से हवन और ह से हवाई जहाज। ह। ह से हल, ह से हवन, ह से हवाई जहाज। और अब आ गए हमारे संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। क्ष। संयुक्त मतलब जो जोड़ के बनते हैं। क्ष। क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षमा और क्ष से क्षेत्र। क्ष। क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षमा और क्ष से क्षेत्र। और फिर है त्र। त्र क्या है ये? त्र। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रयोदशा और त्र से त्रिभुज। तीन भुजाएं हैं इसकी, एक दो तीन, तो इसको बोलेंगे त्र से त्रिभुज। एक बार फिर से दोहराएंगे, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रयोदशा और त्र से त्रिशूल। और अगला व्यंजन है ज्ञ। ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञापन और ज्ञ से ज्ञानालय। फिर से ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञापन और ज्ञ से ज्ञानालय। और ये वाला व्यंजन है श्र। श्र। श्र देखिए बोलने में एक तो होता है श, हमने सीधा बोल दिया श, और एक होता है श्र, नीचे जीभ जाएगी श्र। तो ये है श्र। श्र से श्रम यानी मेहनत। श्र से श्रम, श्र से श्रमिक और श्र से श्रवण। श्रवण इस बालक का नाम था श्रवण। तो फिर से श्र से श्रम, श्र से श्रमिक और श्र से श्रम। और अतिरिक्त शब्द, वो शब्द जो बीच में आते हैं, ठीक है, वो शब्द जो वो अक्षर जो बीच में आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? अतिरिक्त। जैसे ड है ये ड, ड सड़क यानी कि ड आपने देखा ये बीच में आया, ये शब्द के बीच में आया है अक्षर, तो इसलिए इनको बोलते हैं अतिरिक्त। तो ये है ड सड़क, ड लड़का। अब आपने देखा ड बीच में आ रहा है ना, ये देखिए ड बीच में आया है, लड़का, लड़ाई। तो इनका अपना कोई अक्षर नहीं, शब्द नहीं होता, ये जो होते हैं बीच में आते हैं। ड सड़क, लड़का, लड़ाई। अब आ गया हमारा ढ। ये भी जो होता है ये भी बीच में आते हैं, अतिरिक्त होते हैं यानी कि बीच अक्षर के बीच में आते हैं। पढ़ना ढ, चढ़ना ढ और कढ़ाई। ये ढ है, ये ढ जो है बीच में आ गया, पढ़ना चढ़ना और कढ़ाई। और इसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे बच्चों, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने अपने व्यंजन पढ़े थे, हमने व्यंजन सीखे थे, व्यंजन कौन कौन से होते हैं।
अब व्यंजनों के बाद मैं आशा करती हूँ आपको व्यंजन बहुत अच्छे से आ गए होंगे और आप इसको दोहराएंगे और दोहराते समय आप इनको जोर जोर से बोलेंगे, ठीक। और अब हम क्या करेंगे, आओ कुछ करें, हमें क्या करना है, चित्र पहचान के उसके नाम का हमें पहला अक्षर लिखना है। वाह, ये तो बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले क्या बना हुआ है, ये तो खासे खरगोश बना है। तो मैंने इसका पहला अक्षर लिख दिया ख। और ये क्या बना है, ये बना है जहाज। तो जहाज का पहला अक्षर जहाज, पहला अक्षर है इसका ज। और ये क्या है, ये तो लाल लाल टमाटर, टमाटर। तो टमाटर का पहला अक्षर क्या है, ट। और ये क्या है, ये है दवात, दवात, यानी पहला अक्षर आ गया इसका द। और ये बनी है मछली, मछली, मछली का पहला अक्षर है मा। और ये क्या जा रही है, ये तो जा रही है एक सड़क, सड़क। तो हमने इसका पहला अक्षर लिख दिया स। तो हमने क्या किया, हमने चित्र पहचान कर उनके अक्षर का, उनके शब्द पहला अक्षर लिखा, ठीक है। हमने चित्र पहचाने और उसके नाम का हमने पहला अक्षर लिखा। और चलिए एक बार हम इसको पुनरावृत्ति करते हैं, इनको दोहराते हैं। तो सबसे पहले हम स्वरों को दोहराएंगे, अ आ ई ई उ ऊ रि से ऋषि, ए आई ओ औ अंगा आहा। तो ये थे हमारे अयो गवाहा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम अभी हमने व्यंजन करे थे ना चित्रों के देख देख के, और एक बार फिर से हम व्यंजनों की पुनरावृत्ति करेंगे, उनको दोहराएंगे। क मेरे साथ बोलेंगे, इसीलिए मैं दो बार बोल रही हूँ, क ख ख ग ग घ घ ण च च छ छ ज ज झ झ य ट ट ठ ठ ड ड ढ ढ ण त त थ थ द द ध ध न प प फ फ ब ब भ भ म य य र र ल ल व व श श क्ष क्ष स स ह ह। तो बच्चों हमने अभी क्या किया था, अभी हमने किए थे व्यंजन। और ये जो व्यंजन होते हैं इसमें किसी किसी में मात्राएं भी लगती हैं। जैसे अगर हमने लिखना है खेत, तो ख पे ऊपर ए की मात्रा आ जाएगी, यानी कि इन व्यंजनों में किसी किसी में जब आवश्यकता होती है तो इसमें मात्राएं भी लगती हैं। ये व्यंजन अक्षर के, व्यंजन वे अक्षर होते हैं जिन पर मात्राएं लगती हैं, ठीक है। और अब आ रहे हैं हमारे संयुक्त अक्षर, क्ष त्र ज्ञ और श्र। और अब है हमारे अतिरिक्त वर्ण, यानी कि ड और ढ, जो हमने देखा था ढोलक सड़क, ठीक। तो ये हमारे थे अतिरिक्त वर्ण। और अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें वर्णमाला को पूर्ण करना है। सबसे पहले जैसे लिखा है अ, तो अ के बाद क्या आएगा, अ के बाद आ जाएगा, आ से अनार के बाद आ जाएगा आ, आ से आम, उसके बाद ई से इमली, और ई से इमली के बाद ई से ईख, तो लिखी हुई है, ई से ईख के बाद आ जाएगा ऊ से उल्लू, और ऊ से उल्लू के बाद क्या आएगा,
ऊ से ऊन, मैंने पूंछ लगा दी तो बन गया ऊ से ऊन। और अब है हमारा ऋ से ऋषि, और ऋ से ऋषि के बाद क्या आता है, ऐ से ऐनक से पहले क्या आता है, ए से एड़ी, फिर आएगा ऐ से ऐनक, और ऐ से ऐनक के बाद आ जाएगा एक मात्रा लगेगी ओ से ओखली, और फिर दो मात्राएं लग जाएंगी औ से औरत, और औ से औरत के बाद ऊपर बिंदु आ गया अंग से अंगूर और अहा खाली। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने वर्णमाला पूर्ण करी थी, वर्णमाला को पूर्ण किया हमने, और अब हमारे आ गए हैं व्यंजन। अब हमें व्यंजन भी पूर्ण करने हैं, और अभी अभी हमने व्यंजनों का अभ्यास किया था, और अब हम व्यंजन को पूरा करेंगे। सबसे पहले का से कमल, का से कमल के बाद आ गया खा से खरगोश, फिर आ गया गा से गमला, गा से गमला के बाद आ गया घा से घड़ी, और ड़ा खाली, और ड़ा खाली के बाद हमारा आ गया च से चम्मच, छ से छतरी, उसके बाद आ गया जा से जहाज, झा से झंडा, और फिर हमारा क्या हो गया, हमारा आ गया या खाली, फिर ट से टमाटर, ठा से ठठेरा, डा से डमरू, ढा से ढक्कन, और फिर ड़ा खाली, और फिर हमारे पास आ गया ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दवात, धा से धनुष, और उसके बाद आ गया हमारा ना से नल। ना से नल के बाद पा से पतंग, और पा से पतंग के बाद हम आप क्या लिखेंगे, फा से फल, फा से फल के बाद बा से बरगद, और फिर भा से भालू। भा से भालू में आपने देखा मैंने पूरी लाइन नहीं खींची, इसमें आधी लाइन खींची है, ठीक है, और फिर मा से मछली, और फिर यहाँ इस पे या से यज्ञ, रा से रथ, और फिर ला से लट्टू, वा से वर्षा, शा से शलगम के बाद आएगा शा से षटकोण, सा से सपेरा, और हा से हाथी। और अब हम करेंगे संयुक्त अक्षर, शा से क्षत्रिय के बाद त्र से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श से श्रमिक, और अतिरिक्त वर्ण कौन से थे, ड़ा था एक तो सड़क, और एक था ढा से ये था ढोलक वाला ढा, पा से पढ़ना वाला ढा, ये हमने इसके नीचे बिंदु लगा दी। तो ये है हमारे अतिरिक्त वर्ण, और ये है संयुक्त अक्षर। तो बच्चों अभी हमने क्या किए थे, अभी हमने किया था व्यंजन, और हमने व्यंजनों का अभ्यास किया था, जो हमारे पास व्यंजन बीच बीच में नहीं थे उनको हमने पूरा पूर्ण किया। और अब हम क्या जा रहे हैं, बीच में छूटा अक्षर भरो, जो हमारे अक्षर बीच में छूटे हुए हैं हमें उनको फिल करना है, हमें उनको कंप्लीट करना है। जैसे अ और ई है, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, अ आ ई, ए और ओ के बीच में क्या आएगा, ए से एडी, उसके बाद आ जाएगा ऐ से ऐनक, औ से औरत, अंग से अंगूर। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, अभी हमने जो अक्षर छूटे हुए थे अपने इन अक्षरों को पूरी तरह बीच में भर दिया, और अब हमें क्या करना है, बीच में कुछ और अक्षर भी है, जैसे चा से चम्मच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, छा से छतरी, यानी च से चम्मच, छा से छतरी, ज से जहाज, बा, बा से बकरी, बा फा बा, और यहाँ पे आ जाएगा भा, भा से भालू, और रा, रा से रस्सी, ला से लट्टू। तो हमने इसको भी बीच में छूटे हुए अक्षर को हमने इसमें भर दिया, और मैं आशा करती हूँ कि बच्चों आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप इसको ज़रूर दोहरा रहे होंगे। बच्चों हिंदी में दोहराना बहुत ज़रूरी है, और वो भी बोल बोल कर, तभी आपको व्यंजनों की और अक्षरों की स्वरों की बहुत अच्छे से स्वरों की पहचान हो जाएगी, ठीक। तो अभी हमने इनको छोटे हुए अक्षरों को हमने पूर्णतः भर दिया है, और अब हमें करना है चित्र पहचान कर
उनको उनके सही अक्षरों से मिलाना है। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा चित्र है, क्या बना है? ग से गमला। तो हमें ग से गमला ढूंढना है, ये भी नहीं है, ये रहा ग से गमला, तो मैंने ग से गमला को इसे मिला दिया। और फिर क्या है, ये छ से छतरी, और साथ छ से छतरी तो बिल्कुल पास में थी, हमने इसको मिला दी। और अब क्या है, ड से डमरू बना हुआ है ना, ये तो ड से डमरू ये रहा, और मैंने इसको इससे मिला दिया। और अब है माँ, ये क्या बना है, ता से तरबूज, ता से तरबूज कहाँ पर है, और ये क्या था, माँ से मछली। तो चित्र पहचान कर उसके सही अक्षर से हमने इसको मिला दिया। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप बहुत आनंद से इसे कर भी रहे होंगे, और सबसे बड़ी बात आप इसे अच्छे से समझ भी रहे होंगे। बच्चों अगला पाठ है हमारा वर्णमाला के अनुसार, अगला वर्ण लिखिए। सबसे पहले है ख क ख ग घ ण च छ ज ट ठ ड ट ठ ट ठ ड ढ ण त थ द त थ द ध न त थ द ध न प फ ब प फ ब भ म य र ल व श च छ ज झ य त थ द ध ध के बाद आएगा न और श स ह क्ष स स श ह क्या आएगा श स ह हा से हाथी वाला हा। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, हमने वर्णमाला के अनुसार अगला वर्ण जो आता है हमने वो लिखा, जैसे क ख ग च छ क ख ग घ ड च छ ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त ज्ञ च छ ज झ य त थ द ध न य र ल व श श स ह। ठीक, हमने ये किया, और इसके साथ बच्चों हमारा आज का जो पाठ था वर्णमाला वो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस बच्चों आपको करना क्या है, आपको एक बार इसको फिर से दोहराना है, जोर जोर से बोलना है और उंगली रख रख कर पढ़ना है, तो बहुत जल्दी आपके समक्ष आते हैं। तब तक के लिए आभार।